आज यहाँ पे संगीत की महफिल जमने वाली है आज। आपको पता मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ऐसा माहौल बनता है। आज यहाँ पे तीन बेहतरीन सिंगर आने वाले हैं, तो एक एक करके मैं उनको मंच पे बुलाता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले स्वागत कीजिए अपनी अलग आवाज के लिए मशहूर बॉलीवुड को एक से एक हिट गाने देने वाले लेजेंडरी सिंगर मिस्टर शैलेंद्र सिंह। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। थैंक यू। शैलेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। मजा आ गया आपको। पता है मैं पहली बार शैलेंद्र सर से मुलाकात हो रही है। अच्छा। आप तो किसी बैंक के सीईओ लगते हैं आप। सीरियसली इतने मतलब हैंडसम। ये वो बैंक है जिसमें पैसा नहीं है। अच्छा जब ये गाना हमने आपकी आवाज में पहली बार सुना था, ओ माय गॉड, पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था आपकी आवाज का। जी। हर लड़का एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यही गा रहा था कि मैं शायर तो नहीं, और उसके बाद हम तो मैं कमरे में बंद हूं। ये गाने को लोगों ने इतना फॉलो किया, 73 में ये गाना आया। हाँ। तो 2 साल लोग इतना कमरे में बंद रहे कि 75 में भारत सरकार को ये स्लोगन लाना पड़ा कि हम दो हमारे दो, कमरा थोड़ा खुला भी रहने दो। वाह। मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक में ये गाना इंट्रोड्यूस होता तो बेटर होता एक्चुअली। वैसे शैलेंद्र सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका डेब्यू हुआ बॉबी फिल्म से, और ऋषि कपूर साहब और शैलेंद्र सर एक साथ ही लॉन्च हुए इंडस्ट्री में, तो जब राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपने गाना है और देखना ये गाना गाने के बाद एक दिन आप कपिल शर्मा शो में जाएंगे, ऐसा मजाक कर रहा सर, हमारा सौभाग्य है आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मजाक मजाक में सच बात बोल देता है। पर वैसे सर एक बात पूछनी थी, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी कोई लड़की आपसे फरमाइश करती थी कि ये गाना गा दो, हम तो मैं कमरे में बंद हूं, तो आपकी वाइफ भी सामने रहती थी, तो आप फिर गा पाते थे कि बीवी गुर्दे पे कुहनी मारती थी? बीवी तो बहुत बाद में आई। आप तो बहुत यंग थे एक्चुअली, है ना, जब आपने गाना गाया बॉबी में थे, मतलब आई थिंक आपका लाइसेंस ही बना था शायद 18-19 साल के होंगे। मैं वो 19, चिंटू भी 19 साल का था। वाओ। दोनों एक ही, हम दोनों में एक महीने का फर्क था, वो एग्जैक्टली एक महीना मुझसे बड़ा था। वाओ। अच्छा। क्या बात है, दोनों मिला के 36 के भी नहीं थे टोटल। देखो आपने क्या धमाल मचाया। वाह। शैलेंद्र सर आइए यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां शैलेंद्र साहब के लिए। अब बुलाते हैं उनको जिनका भजन सुनते ही मन को एकदम सुकून मिलता है, शांत हो जाता है चित्त। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदियां सारी दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी। नमस्कार सर। सोलह बरस की बाली उम्र को सलाम, ऐ प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। वाह। थैंक यू।
अनूप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है आपको मिलते, मजा आ जाता है। शुक्रिया सर। क्या बात। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, फिर वो भी निकल गया। अच्छा लॉकडाउन में बड़े सारे सिंगर्स ने अपने सिंगल निकाले, अनूप जी सिंगल कभी नहीं निकालते। आप सिंगल में बिलीव नहीं करते, सीधा डबल में? मैं डबल पे बिलीव करता हूँ। पर अनूप सर जब भी मिलते हैं एक्स्ट्रा हैंडसम हो चुके होते हैं, चमक रहे हैं एकदम। शैलेंद्र साहब हमें तो कभी ये बताते नहीं, आपके तो मित्र हैं, इनसे पूछा आपने कभी? राज बता दीजिए आप, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? ये है गोपियां। गोपियां साथ में लाते हैं। ओह तो आज दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि महफिल जमने वाली है, सो एक और फनकार, एंटरटेनर, सिंगर हरफन मौला, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर सुदेश भोसले साहब। अरे बादशाह के देख रहे तुझे, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 शावा माहिया से, शावा माहिया से, शावा माहिया से, शावा updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.